देखिए धनीराम, आप एक बार समझ लीजिए, इसके बारे में अब हम और कुछ नहीं कर सकते। हमें उस इलाके में एक छावनी बनानी है। हम अपनी रियासत की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपनी जमीन और अपने पुश्तैनी घर को छोड़ना होगा। ये हमारा आखिरी फैसला है। तख लिया रानी साहब, ये वास्तु विशेषज्ञ है व्यास जी, ये हमारे कमरे का निरीक्षण कर रहे थे और शहजादे सलीम हमारे साथ साथ इन्हें भी यहाँ खींच लाए। ये बताइए कि आपने कैसे याद किया? अरे क्या कैसे याद किया बीरबल, गुसल खाने में सब गड़बड़ हो रखा है। चेहरे पे लाल लाल धब्बे पड़ गए, सलीम का पैर टूट गया, वासु जल गया। अब कोई हल आप ही बताओ बीरबल। रानी साहब, ये तो गुसल खाने के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से भी हो सकता है। नहीं नहीं, हमने पूरी जांच की है, उनका कोई दोष नहीं है, ये सब अपने आप ही हो रहा है। अपने आप? फिर तो रानी साहब, इस मुश्किल का हमारे पास कोई हल नहीं। अरे व्याजी, आपके पास कोई उपाय है? दुनिया रंगीन है और मामला संगीन है। हाँ। हमें गुसल खाने का मुआयना करना होगा, तभी तो हम बता पाएंगे। हाँ हाँ, तो कीजिए ना। हमें पता चल चुका है गुसल खाने का राज रानी साहिबा। क्या राज है व्यास जी? गुसल खाना जिस स्थान पर बना है वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो जगह ठीक नहीं है, उस स्थान पर दोष है। गुसल खाने को यहाँ से हटाकर कहीं और बना दो। कहीं और? कहीं और कहाँ? महल में ऐसी कौन सी जगह है? रानी साहिबा, हमने महल का नक्शा देखा है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से जहाँ दीवाने खास बना है उस जगह पर गुसलखाना होना चाहिए था, वही स्थान सबसे उपयुक्त है। क्या ये आप क्या कह रहे व्यास जी? अगर जहाँ पना को पता चला तो हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। अरे मुझे तो छोड़ा। अगर आप लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वही जगह सबसे उपयुक्त है, बाकी आप लोगों की मर्जी। ये हमारा दीवाने खास है, ये जगह हट जाइए। आप लोग हटिए, हटिए, आप हटिए। ये तख्त देख रही हैं आप रानी साहब, ये हमारा शाही तख्त है, हमारे पूर्वजों का तख्त है ये। अरे इस तख्त पर बैठकर ना जाने कितने ऐतिहासिक फैसले किए हैं हमने, हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है इस तख्त से। आप हमें हमारी इन यादों से महरूम नहीं कर सकती है रानी साहिबा, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जावना, आप नहीं चाहते कि इस दीवाने खास को रानी साहिबा तोड़े, क्योंकि आपको इस दीवाने खास से बहुत प्रेम है, प्यार है, लगाव है। तो जावना, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी गरीब इंसान को अपने घर से प्रेम हो, प्यार हो और उसके जमीन के साथ उसके पुरखों की यादें, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हो? हो सकता है बीरबल, और होता भी होगा। ताज्जुब की बात है जापना, अभी कुछ ही दिन पहले आपने गरीब इंसान के घर उसके पुरखों की जमीन को तहस नहस करने का आदेश दिया था, और अब आप ऐसा कह रहे हैं। ताज्जुब की बात है। समझ गए हम, सब कुछ समझ गए, आपका पूरा खेल। माफ कीजिएगा जापना, हम तो सिर्फ आपकी आंखें खोलना चाहते थे। आज सबके सामने हम अपना फरमान वापस लेते हैं और ये ऐलान करते हैं कि धनीराम का घर और इनकी पुश्तैनी जमीन इन्हें वापस कर दी जाए। और आज के बाद किसी की मर्जी के बिना हम किसी के घर, किसी की जमीन को हाथ तक नहीं लगाएंगे, चाहे उसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। माफ कीजिएगा जापना, पर हम आपके इस फैसले से सहमत हैं। अब ताज्जुब हमें है बीरबल,
हम जो कर रहे हैं वो हमारी प्रजा के हित में है। लेकिन राज्य के हित में नहीं है जाम, राज्य का विकास भी उतना ही जरूरी है जितना जनता के साथ न्याय। और धनी राम और इन जैसे अनगिनत लोगों को ये बात समझनी होगी। क्या बीरबल जी? यही धनी राम के तनपुरा में जो सैनिक छावनी बनेगी उनसे इन्हें या इनके परिवार को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे आपके आपके परिवार के पूरे इलाके की सुरक्षा और चुस्त हो जाएगी। और अगर राज्य के हित में आपको अपने निजी संपत्ति का त्याग करना पड़े तो इसमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए। आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। मैं अपना पुश्तैनी घर सैनिक छावनी को देने के लिए तैयार हूं। वाह बीरबल वाह, कमाल है आप। आज आपने हमारे साथ साथ धनी राम को भी बिना किसी गिले शिकवे के मना लिया। इसी को कहते हैं जापना, कि घी भी निकल जाए और उंगली टेढ़ी भी ना करनी पड़े।